दोस्तों शहद और दालचीनी दोनों ही आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों के फायदों को जानने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। घर के मसालों की रानी दालचीनी का उपयोग तो आपने कई बार किया होगा, लेकिन यह आपकी हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। और जब दालचीनी के साथ शहद का भी मेल हो जाए, फिर तो यह समझो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। दालचीनी का प्रयोग कैंसर जैसे रोग पर नियंत्रण पाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने अमाशय के कैंसर और हड्डी के बढ़ जाने की स्थिति में दालचीनी और शहद को लाभदायक बताया है। एक माह तक गर्म पानी में दालचीनी पाउडर और शहद का सेवन इसके लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ सके। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने और हृदय रोगों पर नियंत्रण रखने में दालचीनी सहायक होती है, क्योंकि यह हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है। प्रतिदिन शहद और दालचीनी का गर्म पानी के साथ सेवन करें। आप दालचीनी और शहद के मिश्रण को रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी को चाय में डालकर भी ले सकते हैं। इसके प्रयोग से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। मोटापे के लिए दालचीनी का सेवन एक रामबाण उपाय है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता। इसके लिए दालचीनी की चाय बहुत फायदेमंद है। एक चम्मच दालचीनी पाउडर को एक गिलास जल में उबालकर आंच से उतार ले। इसके बाद उसमें दो बड़े चम्मच शहद मिलाकर सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले पिए। रात को सोने से पहले भी इसका सेवन करना दुगुना फायदेमंद होता है और अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जोड़ों में दर्द होने पर दालचीनी का प्रयोग आपको राहत देता है। इसके लिए प्रतिदिन दालचीनी का गर्म पानी में सेवन तो लाभप्रद है ही, इसके अलावा इस हल्के गर्म पानी की दर्द वाले स्थान पर मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसके पानी को पीने एक सप्ताह में संधिवात के दर्द से निजात मिलती है और एक महीने तक इसका सेवन करने से चलने फिरने में असमर्थ लोग भी चलने में सक्षम हो जाते हैं। आर्थराइटिस के दर्द में भी दालचीनी काफी फायदेमंद साबित होती है। सर्दी, खांसी या गले की तकलीफों में दालचीनी बेहद असरकारक दवा के रूप में काम करती है। इसे पीसकर एक चम्मच शहद के साथ एक चुटकी मात्रा में खाने से जुकाम में लाभ मिलता है। आप गर्म या गुनगुने पानी में दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ मिलाकर पी सकते हैं। दालचीनी के पाउडर को पिसी हुई काली मिर्च के साथ सेवन करने से भी राहत मिलती है। इससे पुराने कफ में भी राहत मिलेगी। अपच, गैस, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी दालचीनी का पाउडर लेने से आराम मिलता है। इससे उल्टी दस्त की समस्या में भी लाभ होता है और भोजन का पाचन भी बेहतर होता है। शहद और दालचीनी के पाउडर का मिश्रण लेने से पेट का अल्सर जड़ से ठीक हो जाता है। ठंडी हवा लगने या सर्दी के कारण होने वाले सिर दर्द में दालचीनी का लेप करना फायदेमंद होता है। गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में दालचीनी और तेज पत्ते को मिश्री के साथ चावल के पानी में पीसकर सूंघने से सिर दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा दालचीनी के तेल कुछ बूंदे तिल के तेल में मिलाकर सिर पर मालिश करने से भी सिर दर्द ठीक हो जाती है। दालचीनी को पानी में रगड़कर कनपटी पर गर्म लेप करने से भी आराम मिलता है। नियमित रूप से शहद और दालचीनी का सेवन करने से तनाव से राहत मिलती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। त्वचा और बालों के सौंदर्य में भी दालचीनी पीछे नहीं है। यह त्वचा को निखारने के साथ ही झुर्रियों को भी कम करती है। दालचीनी पाउडर में नींबू के रस में मिलाकर लगाने से मुहासे व ब्लैकहेड्स दूर होते हैं। एक नींबू के रस में दो बड़े चम्मच जैतून का तेल, एक कप चीनी, आधा कप दूध, दो चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर 5 मिनट के लिए शरीर पर लगाएं। इसके बाद नहा ले, त्वचा खिल उठेगी। शहद और दालचीनी के पेस्ट को रात को सोते वक्त चेहरे पर लगाएं और सुबह गर्म जल से धो लें। इससे चेहरा कांतिमय हो जाता है।
गंजेपन या बालों के गिरने की समस्या के लिए गर्म जैतून के तेल में एक चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाकर इसे सिर में लगाएं और 15 मिनट बाद धोलें। दालचीनी के तेल का प्रयोग दर्द, घाव और सूजन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह त्वचा की खुजली को भी समाप्त करने के साथ दांतों के दर्द में भी राहत देती है। मुंह से बदबू आने की समस्या में दालचीनी को मुंह में रखकर चूसना बहुत लाभदायक होता है। दालचीनी और शहद के मिश्रण का सेवन कान के रोगों को भी दूर करता है और बहरेपन की समस्या को भी समाप्त करता है। दालचीनी के तेल की कुछ बूंदे कान में डालने से लाभ मिलता है। अस्थमा और लकवा लगने पर भी यह बेहद फायदेमंद होता है।